अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिक मुनसर। आप लोग देख रहे हैं WP7 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूं हाउ टू इंटीग्रेट स्ट्राइप पेमेंट गेटवे इन वूकॉमर्स इन वर्डप्रेस वेबसाइट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम अपना स्ट्राइप का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हम वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसमें स्ट्राइप के प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। वैसे तो बहुत सारे प्लगइन हैं, लेकिन स्ट्राइप का एक फेमस प्लगइन है जो हमने एक्टिवेट किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, उसको एक्टिवेट करना। और भी बहुत सारे स्ट्राइप के प्लगइन है, ठीक है। इसमें क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं। मेन चीज़, हर प्लगइन की अपनी फंक्शनैलिटी है जो ज़्यादा यूज़फुल है और स्टेबल है, और एक्टिव इंस्टॉलेशन की सबसे ज़्यादा है 9 लाख, तो ये भी अच्छी है। लेकिन ये हमारा ये वाला ज़्यादा ईजी लगा, तो हम ये वाला यूज़ करते हैं, वो कॉमर्स स्ट्राइप पेमेंट गेटवे, ठीक है जी। तो अब इसकी सेटिंग्स में आएंगे हम लोग, ठीक है। और सेटिंग्स में हम बताते हैं कि आपको हमें क्या क्या चीज़ों की नीड पड़ेगी इसके अंदर। मैंने सेटिंग्स पे क्लिक कर दिया। आप यहाँ से जाके वू कॉमर्स में भी सेटिंग में आके पेमेंट्स पे जा सकते थे। तो ये सीन है हमारे पास, हमने यहाँ पे क्लिक किया है। और ये हमें गूगल और एप्पल पे इसमें नहीं चाहिए, भी सिर्फ स्ट्राइप चाहिए, ठीक है जी। तो स्ट्राइप चाहिए, उसके लिए हमें अकाउंट की कीज चाहिए होंगी, इनेबल स्ट्राइप। अगर आपको टेस्ट मोड है यानी टेस्ट कीज यूज़ करनी है, तो उसके लिए ये पेमेंट मोड एक्टिव कर देंगे, ठीक है जी। और नहीं, ये हटा के अगर लाइव पेमेंट चाहिए, लाइव कीज चाहिए, तो लाइव पर सेलेक्ट करके लाइव की कीज डालेंगे। और जो भी वेबसाइट आ रही होगी, हमें ये वाली जो है टेस्ट कीज में ऑलरेडी इंक्लूड हुई हुई है। मैं दोबारा से इसको आपको तरीका बताऊंगा कैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है। ये हमारा वेब हुक, यहाँ से हम कॉपी करते हैं, ठीक है। और स्ट्राइप की अकाउंट की सेटिंग्स में जाके हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं पहले आता हूँ, आपको कीज बताता हूँ कि कीज हम कहाँ से ऐड करते हैं। मैं ये, मेरे पास स्ट्राइप लॉगिन हुआ, आपको स्ट्राइप पे अकाउंट बनाना है, ठीक है। और स्ट्राइप पे अकाउंट बनाने के बाद हम यहाँ पे आएंगे डेवलपर्स में, ठीक है। लोड हो रहा है ये पेज इसका, स्ट्राइप का, ठीक है। मैं डेवलपर्स के अंदर आया, मैं टेस्ट मोड में हूँ अभी, ठीक है। एपीआई कीज के अंदर आ गया। एपीआई कीज हमारे पास क्या है, ये पब्लिशर की हमारे पास ये रही, ठीक है। और टेस्ट टेस्ट सीक्रेट की हमारे पास ये है। अगर इसको हम ये इसको क्लिक करते रिवील पे, तो ये पासवर्ड मांग रहा है, कंटिन्यू करा मैंने, ठीक है जी। ये हमारे पास लोड हो रही है, लॉगिन हो गया है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे डली हुई ऑलरेडी इसकी रिवी सीक्रेट की, सही है जी। 7 अगस्त को क्रिएट हुआ है, या फला फला लास्ट ये अब यूज़ अभी हुई है। मैंने इसको डीएक्टिवेट कर दिया, इसलिए बता रहा है कि वरना अगर यूज़ कर रहे हो तो पता होता लास्ट हमने कब यूज़ किया है। फिलहाल ये मैंने दोबारा एक्टिवेट किया प्लगइन को अपने, ठीक है। वेब हुक्स यहाँ से ऐड होते हैं, चाहे लाइव का लिंक हो या आपका टेस्ट पे वेबसाइट का लिंक हो। अभी हम डेवलपर मोड में, आपको अगर लाइव का डाटा चाहिए होगा तो उसको आप एक्टिवेट कर, लाइव अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए यहाँ से लाइव अकाउंट एक्टिवेट करेंगे। ये टेस्ट अकाउंट बनाया हमारे पास, ये सैंडबॉक्स अकाउंट बोलते हैं जिसे हम, ठीक है जी। ये देख रहे हैं हमारे पास ये वो ऐड हुआ है, क्या हमारे पास ये ऐड करना है हमें वेबहुक का यूआरएल, सही है जी। वेबहुक का यूआरएल ये देखें, यहाँ पे ये स्ट्राइप की सेटिंग भी दी हुई है कि भाई यहाँ पे आके आपको जाके वेबबुक का यूआरएल ऐड करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं वेबबुक का यूआरएल ऐड कर देता हूँ, जो कि ये रहा। और अब हम देखते हैं पहले वाले में किस तरह चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। रिबील सारी चीज़ें, मैंने कहा भाई सारे इवेंट सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और ऐड कर दो, सही है। और ऐड ऐड पॉइंट, ठीक है जी। ये हमारे पास एक और वेबबुक ऐड हो गया, डीवी डैश पेंथियन वाले का, सही है। पहले से एक ऐड हुआ हुआ था, हमने एक और ऐड कर लिया इसी तरीके से। अब हम कीज हमारी ऑलरेडी डली हुई है, ठीक है। अगर जैसे ही आपको लाइव अकाउंट चाहिए होगा तो लाइव वाला अकाउंट एक्टिवेट करके इसी तरह चीज़ें फॉलो करनी होंगी आपको, सही है। यहाँ पे आप कीज में आएंगे, पब्लिशर की में पब्लिशर की डालेंगे, लाइव को सेलेक्ट करके, और टेस्ट सीक्रेट की पर रिवील करके आपको यहाँ पे सीक्रेट की डालनी होगी, सही है। वेबबुक में, वेबबुक जो भी लाइव वेबसाइट के यूआरएल होगा यहाँ से कॉपी करके यहाँ भी ऐड करेंगे, और वेबबुक के अंदर भी आके ऐड करेंगे, जैसे मैंने अभी ऐड किया है, सही है जी। तो इसको हम सेव करते हैं, और इनेबल टेस्ट मोड सेलेक्ट करके इसको हम सेव कर देंगे, सही है जी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हमारी नई वीडियोज मिलती रहें। लेकिन लिखा हुआ अलग है, पेमेंट्स और पे आउट्स अभी डिसेबल हुए हैं टेस्ट मोड में, इसीलिए, सही है। सारी चीज़ें हो गई, अब हम इसको आते हैं इसके व्यू पेज पे, सही है जी। व्यू पेज पे आया, कोई प्रोडक्ट मैं ऐड टू कार्ट करूँगा, व्यू कार्ट पे गया, सही है। प्रोसीड टू कार्ट करा मैंने,
प्रोसीड टू कार्ड करने के बाद भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई ये स्प्राइट सेलेक्ट कर लो, और ये ऑलरेडी सेव हुआ हुआ था डाटा, तो मैंने कहा भाई चलो नया डाटा डाल लेते हैं, 4242 वाला ये डाला है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट कर लिया भाई, ये वीज़ा कार्ड का टेस्ट नंबर है, मैंने सेलेक्ट किया 01 और 24, यानी एक्सपायर डेट। ठीक है, ये टेस्ट डाटा डाले हैं, टेस्ट अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, सेव कर लिया इसको मैंने, सेव नहीं करता, मर्जी है हमारी, इसको हम पब्लिश कर दें, अगर सारा डाटा सही है तो ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास। फील्ड सारी सही डली हैं, आपको अगर यहाँ पे फेक फिलअप की एक्सटेंशन डालना है गूगल के अंदर, ताकि आपको ये बार बार चीज़ें फिल ना करने पड़े। ये देखें ऑर्डर हो गया हमारे पास, VIP स्ट्राइप में गए आप, यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी ऑर्डर हो गई, आप गए माई अकाउंट के अंदर। ठीक है, स्ट्राइप का ऑर्डर चेक करने के लिए 5768, 5768 पे आया भाई, 5768, ये देखिए हमारा लेटेस्ट ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, मैं गया ऑर्डर्स के अंदर, 5768 हमारा ऑर्डर आ गया, सही है, इसको दिखा भी देता हूँ आपको मैं, ऑर्डर डिटेल सारी आ गई, के स्टेटस कैसे चेंज हो रहे हैं, ऑर्डर स्टेटस कंप्लीट हो गया, पहले पेंडिंग टू प्रोसेसिंग हुआ, फिर इसकी इनिशियल आईडी जनरेट हुई, कार्ड की फ़ी, स्ट्राइप की जो फ़ी है वो डिडक्ट हुई, पे आउट ये था, सही है, ये टेस्ट ऑर्डर है तो इसमें कोई मसला नहीं है ऐसा, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैंने सैंडबॉक्स अकाउंट यूज़ किया हुआ है। और दूसरी आपको वूकॉमर्स की सेटिंग्स, अगर यहाँ से जाएंगे आप तो यहाँ से आ जाके आपको पेमेंट्स के अंदर जब प्लगइन आप इंस्टॉल कर लेंगे, तो इंस्टॉल करने के बाद मैनेज पे क्लिक करने पहले जैसे ही इनेबल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेटिंग्स पे चले जाएगा। ठीक है, इस तरह आ रहा होगा फिनिश सेटअप लिखा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चले जाएगा सेटअप पे, सेटिंग्स पे आ जाएगा। और आपको अगर गूगल एप्पल पे या ये सारी चीज़ें करनी होती तो फिर इसके लिए एक और वीडियो बना देंगे, ताकि उसमें आपको चीज़ें आसानी समझनी होंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।